कैसा होगा मम्मी का रिएक्शन कैसा था? पहले बोलते थे छत पे आ गए, तुम छत पे लेके आ गए। गाइस देखो सनसेट होने वाला है, 6 बज रहे हैं अभी, तो कितना प्यारा मौसम हो गया है। यहाँ पे है अदरक वाली चाय नमकीन, और ये है नान खटाई। बड़े वाले से करना, बड़े वाले से करो। हमारे बाल कितने लंबे हो गए? तो देखो एक और जहाज आ रहा है, ये तो आवाज ही नहीं आ रही इसकी। और ये आगे 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 बाबा जा रहे थे, हाय गाइस वेलकम बैक टू स्नेहा कार्तिक व्लॉग्स। मैं हूँ स्नेहा और ये है हमारी मम्मी और यहाँ पे है चाय नाश्ता। तो गाइस स्नेहा कार्तिक व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है और शाम के 6 बज रहे हैं, हम अपने छत पे हैं। 6 से ज़्यादा ही हो गया होगा, जब हम आ रहे थे, जब चाय बना रहे थे तब पौने छः हो रहा था, लेकिन अब 6 हो गए हैं। तो अभी हम चाय वाय पी रहे हैं छत पे, छत का नज़ारा ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल देख सकते हो, और यहाँ से हमारे घर से वो देख सकते हो ज़रूर देख सकते हो, जूम करके दिखाऊंगी, पहाड़ भी दिख रहे हैं। तो यहाँ से पहाड़ हमारे घर से मतलब पास है, और क्या नाम है उसका कार्तिक, जहाँ कार्तिक उस दिन गया था, सोलन, मैं सीलन बोलती हूँ उसको सीलन बोल रही थी, तो सोलन भी पास में है, तो वहाँ बारिश होती है और मौसम ठंडा होता है तो उसका असर इधर भी आता है। तो गाइस अभी हम चाय वाय पी रहे हैं, यहाँ का मज़ा ले रहे हैं। तो ये है नान खटाई, मैं खा रही हूँ, आप भी खा लो। लो कबूतर है, चलो कबूतर दिखाती हूँ मैं। भाग गया। तो गाइस देखो मौसम, वाओ कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, वो देखना, वो ग्रीन ग्रीन सा नहीं, ब्लू बॉटल ग्रीन जैसा लग रहा मुझे। देखो कितना प्यारा सुंदर सा चांद निकला है मम्मी, देखो सूरज भी वहीं से निकलता है, चांद भी वहीं से निकलता है। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। कितना सुंदर नजारा आ रहा है, अगर वो टैंकी नहीं होता ना, वो वाला टैंकी, 3 टैंकी, तो कितना मस्त लगता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चांद थोड़ा सा ऊपर ऊपर और आ जाएगा। देखो वाओ गाइस कितना क्यूट लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है, वाओ कितना सुंदर लग रहा है। वहां से देखो आप देख सकते हो, तो दिख रहा है वो, मैं दिखा गई, वो जो टैंकी है ना ग्रीन ग्रीन, उसके पीछे देखो पहाड़ दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको पहाड़, हमारे घर से बहुत पास में दिखता है। अगर हम सबसे ऊपर वाले पे चढ़े ना
तो अगर इस वाले छत पे अगर चढ़े ना तो यहाँ से वो पहाड़ दिखता है। वो देखो हमारे घर के सामने वहाँ पे वो जो है ना वो स्कूल है। मैं जिलाऊ हिल भी नहीं रहा। तो गाइस देखना कोयल बोल रही है। इस साल का पहला एक दिन 3 बजे रात को कोयल बोल रही थी, आपने सुना? मैं जब उठी तो कू कू कर रही थी, फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सोचा पता नहीं कौन सी आत्मा बोल रही होगी। तो गाइस देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर मिर्चें लगी है, ये देखो, और बड़ी तीखी भी है, यहाँ पे भी है, देख सकते हो, ये देखो। फिर एक दिन ना हम इसकी एक स्पेशल आपको भरवे वाली मिर्च की रेसिपी बताएंगे, बड़ी टेस्टी बनाते हैं मम्मी। तो आप देख सकते हो इधर सारी यहाँ पे क्यारियाँ लगाई हुई है, तुलसी भी है, मिर्च भी है, ये लहसुन है, ये पुदीना है। तो चलो प्याज का फूल भी मैंने दिखाया था एक दिन ब्लॉग में, गाइस देखो ये प्याज का फूल है। तो अब चलते हैं नीचे, अंधेरा हो रहा है तो थोड़ा सा हम पानी वानी डाल लेते हैं गमले में, फिर हम चलते हैं। गाइस देखना कितना सुंदर लग रहा है ये नजारा, देखना यार, वाओ अमेजिंग लग रहा है कि किसी ने पेंटिंग की, आप देख सकते हो, वाओ वाओ वाओ। तो वहां से चांद का भी देखना, चांद का भी, चांद तो इसमें बड़ा छोटा दिख रहा है, देखना। नहीं 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 लड़के, ओह अरे यार अंधेरा हो गया वीडियो में, स्पीड को बढ़ा, स्पीड बढ़ा, स्पीड ज्यादा कर, 350 के करीब रख। मैंने 500 कर दिया। तो गाइस ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है और मम्मी ने पहले ही वार्निंग दे रखी है कि पैंट फट सकता है, फिर भी ये लड़का मान नहीं रहा। चप्पल खोल के, चप्पल खोल के, अगर तुझे चढ़ना चप्पल खोल के चढ़, हिट लड़का है भाई। ये देखो गाइस आपको व्यू दिखाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक आज कार्तिक के लिए बनता ही है और टारगेट हमने रखा है 100 लाइक्स। चलो तो कार्तिक जी ये लो, मुझे दिखाना। हाय गाइस, क्या मैं आपको नजर आ रही हूँ? बैठ जा, हमारा भी व्यू ले लो गाइस, हमारा भी देखो, आप इधर है, एक और कुकीज खा रही हूँ मैं, लो आप ही खा लो। ये देखो पहाड़ देखे, देखो अभी आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, वो क्या होता है बीच में पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, ये सारे पहाड़ है, देखो यहाँ देख। है? क्यों आ रहे हो नीचे उतर के? ऐसे तो आई नहीं पाऊंगा मैं। चला तू ये मना कर बैठे। मना नहीं मना ना, उधर से देखो। उधर से जाऊं? नहीं इस पे रोड के तरफ। तो गाइस देखो चढ़ तो गया ही है, इसे उतरा जा नहीं रहा। थोड़ा देख सरके का एक आधा ही। आराम से आराम से। मना नहीं रही है तो भी।
देखो गाइस, देखो कितना बहुत तभी नहीं है। अब वो हो रहा कहीं तेरे ऊपर ही गिर जाए। अब और इतना बहुत चुप चुप रहता है, ये देख लो इसका असली चेहरा मम्मी। ये ईंट देखियो हिल रही है। कौन सी? कौन जहाँ तू दूंगा, ये देख इधर ईंट हिल रही है सारी। नहीं कोई नहीं हिल रही। आ जा मम्मी तुझे कैच करने आगे चल। हट दो साइड हो जो। इसको डर लग रहा था, डर के मारे क्या बोल रहा है, साइड हो जाओ। और क्या गिरूं तो भाई, मैं तो नहीं तुम्हारा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चढ़ जाओ और जाके। तो चल नीचे चलते हैं गाइस। कैसे लग रहा था आपको? क्यों बताऊं गाइस, देख लो आप, बोलते ना बहुत चुप चुप रहता है ये। रात हो गई, 7:30 हो गए। और क्या, सूरज देखो डूब चुका है और चांद देखो। वाओ चांद कितना प्यारा लग रहा है ना मम्मी। वाओ यार दोस्तों चांद देखो जरा, मैं आपको ओरिजिनल कैमरे से दिखाती हूँ। ओके तो गाइस चांद देखना कितना प्यारा लग रहा है ना, देखना। तो दोस्तों देख सकते हो सफाई अभियान चल रहा है हमारे छत पर। वैसे अब अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन लग रहा है। शादी सूखी चलो लाइट तो जला दो। चलो मम्मी देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस हम बना रहे हैं कोफ्ते, घिया के कोफ्ते। तो यहाँ पे मम्मी ने घिया में सब मसाले और बेसन वगैरह मिक्स कर दिया है और अब हम डालो नहीं थोड़ा सा ऑयल और गरम होगा, हो गया वैसे तो गाइस। यहाँ पे हमारे पकौड़े बन गए हैं, आधे पकौड़े बन गए हैं, देखो कितने टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं और आधे बन रहे हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है और ये पकौड़े निकालने के बाद इसमें तड़का मार देंगे। तो गाइस हम बना रहे हैं आज घिया के कोफ्ते और उसके लिए हमारे पकौड़े तल रहे हैं। यहाँ पे तल चुके हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, इसके बाद हम तड़का वड़का लगा देंगे। आज डिनर में बना रहे हैं घिया के कोफ्ते। तो गाइस यहाँ पे हम डालेंगे हींग, हींग का तड़का लग चुका है। प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च और जितने सूखे मसाले हैं सबको मिक्स कर दिया है और एक साथ ही डाल दिया है। बढ़िया कलर आया हुआ है,
हमारे मसाले भून चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे पानी, इसको ग्रेवी लग जाएगी ना मम्मी, पानी डालो। थोड़ा सा डाल दो क्योंकि जब पकौड़े इसमें डालेंगे ना तो वो सारा सोख लेता है पानी का। ठीक है भाई, तो भाई हमारे पकौड़े आ गए हैं ग्रेवी में, इसको थोड़ा सा एक बॉईल आने तक है ना, फिर ये हो जाएगा टेस्टी टेस्टी पकौड़े। धनिया पत्ती मलाई फ्रेश क्रीम से आप सर्व कर सकते हो। तो जाओ तो दोस्तों हमारी सब्जी बन गई है, हम करेंगे सर्व। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है और टाइम हो गए हैं 9 बज गए हैं। सो हे गाइस वेलकम बैक, और खाना लग चुका है और रात को भी 9:15 हो रहे हैं आप देख सकते हो, और खाना लग चुका है, खाना खा रहे हैं हम लोग। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।